हेलो माय गॉर्जियस एंड लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्व्स एंड स्टाइल्स। मैं हूं मिली और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ प्लस साइज के टॉप्स जो कि मैंने अंडर 500 परचेज किए हैं। 500 सब टॉप्स मैंने मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग टाइम के हिसाब से मैंने सोचा आपके साथ जो मैं शेयर करूंगी सब मिक्स एंड मैच हैं। कुछ आप कैजुअल्स पहन सकती हैं, कुछ आप डेट के लिए भी पहन सकती हैं और कुछ टॉप्स जो हैं कॉर्पोरेट्स जो वर्किंग वुमेन है वो पिक कर सकती हैं इनमें से। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप उसमें से वो स्टाइल पिक कर सकती हैं। फर्स्ट टॉप मैं लेके आई हूँ ये टॉप। इसे मैंने ये एसिमेट्रिकल टॉप है, इसके साइड पे ये इस तरह से बेल्ट आएगी कमर के ऊपर और इसका जो एक शोल्डर है वो बिल्कुल इस तरह से ऑफ है। और ये वाला जो ड्रेस है मुझे 500 का मैंने अमेज़ॉन से पिक किया है। ये पॉशबेरी ब्रांड का जो टॉप है इसकी जो MRP है वो 500 का मैंने इसे परचेज़ किया है। MRP एग्जैक्टली आपको लिंक्स पे जाएंगे तो मिल ही जाएगी, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 500 रुपीज़ में पिक किया था। और इसमें एक और कलर था ब्लैक कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप किसी डेट पे जा रही हैं, डे डेट पे जा रही हैं या नाइट डेट पे जा रही हैं तो एक्सेसरीज के साथ इसको पहने, जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ, स्कर्ट के साथ, ये किसी के साथ भी अच्छा लगेगा। अगर डेनिम की स्कर्ट है आपके पास तो आप इसके साथ टीम अप कर सकती हैं। इट विल बी लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस। और ये जो है टॉप के साइड पे ये बेल्ट आता है, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉप्स में से एक है मेरी। और ये इतना लूज एंड स्लाउची लुक देता है, आपका जो बेली फैट है वो भी इसके अंदर हाइड हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। इस टॉप का जो मटेरियल है वो स्ट्रेची है, आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी स्ट्रेचेबल। और मुझे लगता है कि ये एथेना ब्रांड की ही एक ब्रांड है पॉशबेरी, जो ये इस तरह के ड्रेसेस और टॉप्स इनकी जो सीरीज़ है वो चलती है। आप देख सकते हो इसमें इस ब्रांड के जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसकी जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। बॉडीकॉन ड्रेसेस हैं, मैक्सी ड्रेसेस हैं, शॉर्ट ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं, आप और भी चीज़ें इसमें ट्राई कर सकते हो। मैं आपको इनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। बाय द वे ये मेरी प्योर शेप बॉडी है, अगर आपकी बॉडी टाइप मेरे जैसी है तो आप देख सकते हो आप पे भी इस तरह का लगेगा। बाकी ये मुझे लगता है कि हर टाइप की बॉडी के ऊपर चला जाएगा। अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हैं ऊपर से तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये हेल्दी लड़कियों पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं जो टॉप ये लेके आई हूँ वो है ये वाला टॉप। ये एक क्रॉप टी शर्ट टाइप है, लेकिन मुझे तो ये क्रॉप की जैसे नहीं आई थी, शॉर्ट टी शर्ट टाइप ही आई थी। इसे आप अपनी कैजुअल आउटिंग के लिए पहन सकते हो, इसकी जो स्टफ़ है वो बहुत अच्छी है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से पिक की है। आपको इन सब की लिंक मैं दे ही दूँगी, ऑब्वियसली लिंक्स आपको इन सब के मिल जाएंगे। ये भी बहुत ही प्रिटी लगा मुझे और मैं इसे डेफिनेटली किसी आउटिंग पे जाऊँगी। इसे जीन्स के साथ पहने, आप इसे शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हो, इसे स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, ये बहुत सुंदर लगेगा। बाकी मटेरियल इसका जो है टी शर्ट मटेरियल है और प्राइस इसकी आई थिंक इट्स ऑलवेज अंडर 500। ये टॉप्स हैं सारे के सारे, तो इसकी टॉप की प्राइस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और कपल स्टफ़ कोई ब्रांड है इसका, XXL ये साइज है। तो ये हो गई हमारी ये कैजुअल टी शर्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट मैंने ये श्रग पिक किया था, ये भी सेल पीस था, ये बहुत ही मुझे अच्छी डील में मिल गया था। आई थिंक इसकी जो MRP है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, 1599। और इसका स्ट्रेचेबल मटेरियल है, अगर आप मुझसे थोड़ी सी हेल्दी, मुझसे ज़्यादा हैं तो भी आपको आ जाएगा, मुझसे कम है तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। और बाई द वे ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मैंने जो है ओवरले किया था, वो जो टॉप मैंने आपको दिखाई थी टी शर्ट उसके साथ मैंने पहन के देखा था, ये बहुत सुंदर लग रहा था उसके साथ। कि मुझे टी शर्ट्स के साथ ऊपर कुछ पहनना अच्छा लगता है, मैं इस तरह से थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ जब भी मैं कोई टॉप पहनती हूँ जीन्स के साथ, तो मुझे उसके ऊपर कुछ लॉन्ग सा पहनना अच्छा लगता है, ओवरले करना। तो आप भी इसको इस तरह से स्टाइल कर सकते हो, इसको आप जीन्स के ऊपर भी ले लेंगे। एक तो इसका जो स्लाउचीनेस है इसमें आपका पूरा का पूरा जो इम्परफेक्शन है बॉडी का वो हाइड हो जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगोगे इसमें। तो ये शक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लिंक इन सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। एक मैंने ये टॉप पिक किया है, ये टॉप भी इसकी मटेरियल इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है,
लेकिन ये टॉप देखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। अंडर 500 है ऑब्वियसली, ये सारे के सारे जितने भी टॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब के सब 500 के अंदर अंदर आएंगे आपको। और ये थोड़ा सा जो मौसम है गर्मी में पहनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे इतनी गर्मी में पहना था, एसी भी चल रहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। इसे मैंने एक ट्राउज़र के साथ भी टीम अप किया है, इसे मैंने स्कर्ट के साथ भी टीम अप किया है। मैं दोनों का यहाँ पे आपको दिखा दूँगी, दोनों आप बताना कैसा लग रहा है आपको ये। बाकी ये जो है इस तरह की आजकल पावर स्लीव्स बहुत ज़्यादा फैशन में हैं, तो मुझे लगा कि चलो एक पावर स्लीव भी ट्राई करी जाए, एक पावर स्लीव भी देखी जाए कैसी लगती है। बाकी बहुत ही फॉर्मल एंड बड़ी फैंटास्टिक सी लुक दे रहा था, और इसके ऊपर आप कुछ एक्सेसरीज भी पहन के इसे स्टाइल कर सकते हो। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो भी पहना हुआ बहुत सुंदर लगेगा। नेक्स्ट मैंने ये टॉप पिक किया था, ये पेपलम स्टाइल का टॉप है। देखिए पेपलम क्या होता है, पेपलम होता है जो आपकी अपर बॉडीज़ के साथ आपकी जो ये नीचे की तरफ एक थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐड करने के लिए थोड़ा सा रफल ऐड कर दिया जाता है, तो उसे आप पेपलम कहते हो। ये पेपलम टॉप्स जो हैं जिनका भी बॉडी हैवी होता है उनको बहुत अच्छे लगते हैं। डेफिनेटली इस तरह इसकी जो स्लीव्स हैं थोड़ी सी ब्रॉड हैं, और इसकी जो नीचे की तरफ है इसके अंदर तो लाइनिंग लगी हुई है, डेफिनेटली इस तरह से ये लाइनिंग लगी हुई आएगी, लेकिन इसका जो लोअर पार्ट है ये ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप इसे जीन्स या किसी स्टफ़ वाली चीज़ थोड़ी हैवी चीज़ के साथ बॉटम्स के साथ पहनोगे तो अच्छा लगेगा, जैसे थोड़ा सा हाई वेस्टेड बॉटम हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो ये आपकी स्किन शो करेगा। मैं इसलिए दे रही हूँ आपको ये आइडिया क्योंकि मैंने इसे पहन के देखा था, स्कर्ट के साथ भी पहन के देखा था, इसमें से मेरा जो टमी एरिया था वो शो हो रहा था, फिर इसे मैंने जीन्स के साथ ट्राई किया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये भी आप ओवरले करके पहन सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो विदाउट स्लीव के टॉप पहनने के लिए तो आप इसे इसके साथ भी पहन सकते हो। इसके साइड पे ये जिप दे रखा है, आप चाहो तो इसे अनजिप करके, मैंने तो ऐसे ही पहन लिया था इसको। और बाय द वे इसकी भी कीमत 500 के अंदर है, और ये ब्रांड सेस्फेरेस से है। सेस्फेरेस के कपड़े मुझे बहुत अच्छे फिट के आते हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। प्लीज़ ये मत सोचना कि सेस्फेरेस ब्रांड मुझे कुछ पैसे दे रहा है, मैं सेस्फेरेस ब्रांड के कपड़ों का फिट मुझे बहुत अच्छे से आता है इसलिए मैं सेस्फेरेस के, और भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े मुझे बहुत अच्छे आते हैं, मैं फ्रीक्वेंटली उनके कपड़े खरीदती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि सेस्फेरेस ब्रांड ही है, बट हाँ वेस्टर्न वियर में मुझे इनकी जो फिट है इनके टॉप्स हैं बहुत पसंद आते हैं। इवन मैंने जो पहना है ये भी सेस्फेरेस ब्रांड से ही है, और ये मैं पहले अपने हॉल में दिखा। नेक्स्ट टॉप अगेन सेस्फेरेस ब्रांड से ही मैंने पिक किया है, ये ऑफ शोल्डर टॉप है, और बिलीव मी ऑफ शोल्डर टॉप में अगर आपको एक चीज़ जो है आपके कंधे से हिले ही नहीं, कितनी बढ़िया चीज़ है। मतलब ऑफ शोल्डर टॉप हमेशा ऊपर हो जाते हैं, आपको उसके अंदर एक इलास्टिक जैसा कुछ लगाना पड़ता है जिससे कि वो स्टे ऑन रहे, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर भी नहीं होगा, ये आपके लिए इस जो शोल्डर्स हैं उन पर इस तरह से इंटैक्ट रहेगा। और डेफिनेटली इसका फिट बहुत अच्छा लगा, इसे आप जीन्स स्कर्ट कैजुअल किसी भी तरह से पहन सकते हो, इसको आप पार्टी में भी पहन सकते हो, ये इसके साथ आप एक्सेसरीज पहनो ये पार्टी में भी बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा अच्छा मेकअप कर लो, थोड़ा ग्लिटर आईज पे लगा के आप, मतलब मुझे ये टॉप बहुत पसंद आया, इट्स रियली कंफर्टेबल है। ये देखो इसकी स्लीव्स हैं, ये थोड़ी सी हैवी स्लीव होंगी तो भी आ जाएगा ये आपको, तो ये देखिए। तो ये हो गया हमारा एक टॉप। बाय द वे ये जो टॉप्स हैं सेस्फेरेस के बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, इसके कपड़े क्लासी भी होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसलिए मैं सेस्फेरेस ब्रांड को प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट टॉप मैं अगेन सेस्फेरेस ब्रांड से मैंने पिक किया है, इसमें दो कलर हैं, इसमें एक कलर है वाइट और एक ये ब्लूइश कलर की स्ट्राइप्स हैं। ये जो टॉप है ये टॉप स्पेशली मैंने स्टाइल किया है वर्किंग वुमेन के लिए, बिकॉज इसके आगे इस तरह से नेक टाई लगा हुआ है, और ये बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा था और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा था। अगर आपको, आप कॉर्पोरेट्स में काम करती हैं, आपको इस तरह के टॉप्स ट्राई करने चाहिए। हाँ एक सलाह ज़रूर दूंगी कि इस तरह के बटन टॉप्स जो होते हैं इनको या तो आप आगे से स्टिच कर लें, या इनके अंदर आप एक जो डबल साइडेड टेप आती है वो लगा लें, जिससे कि ये जो बटन की ओपनिंग्स हैं इनमें से आपका बॉडी शो ना हो। तो मैं डेफिनेटली इसको मैं पूरा स्टिच कर लूँगी और इतना हिस्सा ऊपर से रखूँगी जिससे मैं पहन सकूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, हर जितने भी बटन टॉप्स होते हैं उनके साथ मैं यही करती हूँ। और ये जो टॉप है ये इतना ब्यूटीफुल लगता है, अगर आप कोट पहन के कोई क्लाइंट सर्विसिंग की मीटिंग के लिए जा रही हैं तो भी आप इस तरह का जो टॉप है पहन के
बॉम्ब लगेंगी। आप चाहिए बिंदास पहनी, इस तरह के टॉप्स बहुत सुंदर लगते हैं। एक्सेसरीज आप अपने हिसाब से पहन सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े ईयर रिंग्स पहने बिकॉज आई लाइक टू वियर बिग ईयर रिंग्स। आप इसमें जो है शॉर्ट ईयर रिंग्स भी पहन सकती हैं, मेकअप थोड़ा सटल कर सकती हैं। ये आपकी टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको स्टाइल्स बताना। तो ये जो है कॉर्पोरेट्स के लिए बेस्ट कपड़े हैं जो बता रही हूँ ये मैं टॉप्स। ये कॉर्पोरेट में जो जॉब करती हैं लड़कियाँ लेडीज़ वो ये इस तरह के टॉप्स पहन सकती हैं, काफ़ी एलिगेंट लगेंगे। इनको आप ट्राउज़र के साथ पहनिए, जीन्स के साथ पहनिए, सबके साथ अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट टॉप भी सेस्फ्रेस का मैंने पिक किया था और ये वाला जो टॉप है ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। अब ये मुझे आई थिंक 250 या 300 का मिला था, इसलिए मैंने इसे पिक कर लिया था। MRP तो डेफिनेटली ज़्यादा ही लिखी हुई है। इसका भी डबल XL साइज़ है। इसका एक तो ये इसका जो शो ये फिट है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा मुझे ब्रॉड लग रहा था। मुझे इसको ऑल्टर करना पड़ेगा। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा ऑल्टर करूँगी एक प्लीट सी देखकर। ऑल्टर मैं खुद ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है खुद ही के कपड़े ऑल्टर करना। ऑब्वियसली आई नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स, आई हैव डन दिस कोर्स, सो मुझे पता है ये कैसे इसको फिट करना है। तो मैं इसको खुद ही फिट कर लूँगी। बाकी ये जो टॉप है कुछ खास लुक्स में या मैं वीडियोस बनाते वक्त पहन सकती हूँ। इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। इसके पीछे जो बटन ओपनिंग भी दे रखी है, इस तरह से आप इसको बटन को खोल के पहन सकते हो। ये टॉप ओके लगा मुझे, ज़्यादा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी है, इसके नीचे अगर आप इनर पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, बट इनर से इसकी फिटिंग ख़राब हो रही थी। तो आप इसके साथ जो भी ब्रा पहनती हैं तो भी इसकी लाइट कलर की पहने, अगर आप डार्क पहनेंगी तो डेफिनेटली वो सी थ्रू होगा, या आप इसको ओवरले करके पहने, बेस्ट है ओवरले इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर मैं इसको पहनूंगी भी तो मैं ओवरले करके पहनूंगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कपड़ों को ओवरले करना। अब मैं लेके आई हूँ अगेन सेस्फ्रेस ब्रांड से ये वाला टॉप। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी टॉप है। अगर मैं कह रही हूँ प्रिटी तो मतलब जो पहले लुक देखो, ये पेपलम टॉप है। अगेन इसकी जो फ्लेयर है, पेपलम टॉप की फ्लेयर जो वेस्ट पे आती है, इससे आपकी कमर पतली लगेगी और आपका जो टमी एरिया है उस पर ये जाके फॉल आउट होगा और ये आपकी इम्परफेक्शन को हाइड कर देगा और आपकी बॉडी के प्लस पॉइंट्स को उभार देगा। जो आपकी वेस्ट है प्लस साइज फीमेल्स को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहनो। प्रेजेंटेबल लगेंगी कपड़ों में उतना ज़्यादा आप अच्छी लगेंगी, आपको खुद को भी अच्छा और कॉन्फिडेंट फील होगा। और ये टॉप जो है ये मुझे बहुत पसंद आया है और इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा स्ट्रेची है और डेफिनेटली ये मेरा फेवरेट टॉप है। एक ये टॉप मेरा फेवरेट है, इन दैट ग्रे टॉप इज़ माय फेवरेट वन। एंड देन वो जो टी शर्ट खरीदा था वो भी मुझे बहुत अच्छा, सारे टॉप्स अच्छे लगे एक्सेप्ट दैट पिंक वाला टॉप, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। इसे आप जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ, आप किसी के भी साथ पहन सकते हो। अंडर 500 है, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। आई होप आप सबको ये टॉप्स अच्छे लगे होंगे। हमारा प्लस साइज हॉल, प्लस साइज टॉप्स के का हॉल, जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के टॉप्स पिक किए थे। कोई एक जगह से नहीं पिक किया था, हर जगह से पिक किए थे, इसलिए सबका एक ही मैंने आपको दिखा दिया। सो दैट आपने जो रिक्वेस्ट की थी कि टॉप्स का के बारे में मैं हॉल दिखाऊं, तो वो ये आपके लिए है। अगर आप कुछ बजट में चाहती हैं, अच्छा चाहती हैं, तो आप डेफिनेटली लिंक्स पे जाइए और परचेज़ कर लीजिए। मैं इन सब के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा प्लस साइज़ की फ़ीमेल्स को अच्छा लगा है स्पेशली, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप किस तरह के और हॉल्स देखना चाहते हो, किस तरह के और स्टाइल्स देखना चाहते हो, किस तरह का मेकअप देखना चाहते हो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट फील हो और आप अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सकें। आई विल डेफिनेटली लव टू डू दैट। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं और मैं आपको सबसे पहले दिख जाऊं। तो अब मैं चलती हूँ, फिर कुछ नया लेके आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।